नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री स्टडी पे दोस्तों इस वीडियो में हम HCI, AGM, के कुछ तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए पहला क्वेश्चन है दर क्रॉप लूसर्न कंटेंट अबाउट परसेंट क्रूड प्रोटीन लूसर्न में कितने प्रतिशत क्रूड प्रोटीन पाया जाता है इसका ऑप्शन है सिक्स टू सेवन परसेंट 10 to 12%, 18 to 25%, 25 to 30 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि एट्टीन से ट्वेंटी फाइव परसेंट क्रूड प्रोटीन पाया जाता है लूसन को आल्फा आल्फा के नाम से भी जाना जाता है नॉर्थ इंडिया में इसको रिजका कहा जाता है यह एक बहुत ही पॉपुलर प्रोटीन रिच फॉर्डर क्रॉप है इसको क्वीन ऑफ फॉर्डर भी कहा जाता है दोस्तों अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ जरूरत है वो है कोई भी ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल दोस्तों एग्रीकल्चर एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बेसिक एग्रीकल्चर के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलिव बोर्ड की फ्री स्टडी मटेरियल लिंक ऐड कर दूंगा आप बस लिंक क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करिए और ये फ्री स्टडी मटेरियल आप एक्सेस कर पाएंगे अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल फॉर नॉन सिंक्रोनस फ्लावरिंग फील्ड क्रॉप कौन सा नॉन सिंक्रोनस फ्लावरिंग फील्ड क्रॉप का एग्जाम्पल है आपका ऑप्शन ग्राउंड नट पीजीएनपी सोयाबीन या फिर राइस इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि राइस नॉर्मल राइस क्रॉप में फ्लावरिंग और सीड राइपेनिंग सात से दस दिन के अंदर हो जाता है लेकिन जो प्रोजेनिटे स्पीसीज होता है जैसे कि ओराइजा रूफी पोगोन इसमें फ्लावरिंग पेनिकल प्रोडक्शन ओपनिंग सीड ड्राइपेनिंग ये प्रोसेस सेवरल वीक तक हो सकता है मार्टिन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डैस सेप ऑफ सोयाबीन पॉड सेप ऑफ सोयाबीन सीड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सोयाबीन सीड या फिर ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सोयाबीन सीड के सेप के ऊपर मार्टिन का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ट है सेप के ऊपर क्लासिफाई किए थे उनको तीन ग्रुप में जिसको कहा जाता है सोया एलिप्टिका यानी कि एक टाइप सीड सोया स्फेरिकल जिसको राउंड सीड कहा जाता है और सोया कंप्रेस यानी कि प्रेस्ट सीड अगला क्वेश्चन है मानचुरियन क्लासिफिकेशन ऑफ सोयाबीन इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर मानचूरियन क्लासिफिकेशन आधारित है कलर ऑफ द सीड कोट सेप ऑफ सोयाबीन पॉड सेप ऑफ सोयाबीन सीड या फिर मैच्योरिटी पीरियड और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कलर ऑफ सीड कोट के ऊपर आधारित है मंचुरियन क्लासिफिकेशन। इसका इसमें तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है पहला वाला है योलो ग्रुप जिसका मार्केट में प्राइस ज्यादा होता है दूसरा वाला होता है ब्लैक ग्रुप जिसमें सीड कोट काला रंग का होता है स्मॉल लार्ज और फ्लैट सीड होता है इसका मार्केट प्राइस कम होता है तीसरा वाला ग्रीन ग्रुप होता है जिसका एपिडर्मिस ग्रीन कलर को होता है और योलो और ग्रीन एम्ब्रायो पाया जाता है इसका भी मार्केट प्राइस ज्यादा नहीं होता है टोमेटो टोबाको ब्रिंजल इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि टोबाको क्रॉप उसके पूरे ग्रोथ पीरियड में बहुत मॉइस्चर सेंसिटिव होता है अगला क्वेश्चन आपके लिए है इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया ऑफ वेट इज अंडर इज अंडर द स्पीसीज डैश इंडिया में सबसे ज्यादा कौन, कौन सा व्हीट स्पीसी का कल्टीवेशन किया जाता है ट्रिटिकम एस्टिबम ट्रिटिकम दुरूम ट्रिटिकम डाइकॉकम ट्रिटिकम स्पैरियोकोक्कम इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए अगला क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट एंड कॉमन मेथड ऑफ सुगर कैन प्लांटिंग इज न क्रॉप लगाने का सबसे आसान और पॉपुलर मेथड कौन सा है ट्रेंच मेथड रीज एंड फारो मेथड प्लांटिंग इन फ्लैट बेड या फिर मेथड इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि प्लांटिंग इन फ्लैट बेड अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर इज सिचुएटेड एट कहाँ पे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर स्थित है इसका ऑप्शन है बैरकपुर कटक कोलकाता भुवनेश्वर और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि बैरकपुर पे अगला क्वेश्चन है इन इंडिया फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन मंजरी स्टार्टेड इन इंडिया का पहला ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन मंजरी कब स्थापित हुआ था ऑप्शन से 1923, 25, 35 या फिर 34। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 1923 में फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन स्टार्ट हुआ था अगला क्वेश्चन है ए स्क्रीन विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर इज कॉल्ड नीचे बताए गए कौन से स्क्रीन को टेम्परेचर मेजर करने के टाइम पे यूज किया जाता है क्लार्क स्क्रीन साइनॉन स्क्रीन थार्मोकॉपल या फिर स्टीफेंसन स्क्रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि स्टीवेंसन स्क्रीन इसको इंस्ट्रूमेंट सेल्टर भी कहा जाता है ये एक मेट्रोलॉजिकल स्क्रीन होता है जो मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डायरेक्ट सनलाइट डायरेक्ट हीट रेडिएशन से बचाने के लिए यूज किया जाता है पूस एंड पूल स्ट्रेटेजी आर यूज्ड टू कंट्रोल द डेश पूस एंड पूल मेथड कौन से वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है कुस्कुटा स्ट्रिगा लोरंथस या फिर ओरोप्रानशिया और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि स्ट्रिगा आपको पता होना चाहिए स्ट्रिगा को व्हिच वीड भी कहा जाता है तो दोस्तों यह था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने एफ सी आई ए जी एम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यू के बारे में डिस्कशन किए हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और एफ सी आई ए जी एम के ऊपर बहुत सारे वीडियोज हम ऑलरेडी बना चुके हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट एम सी क्यू के ऊपर वीडियोज बना चुके हैं आई बटन पर क्लिक करके आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे बहुत सारे एम सी क्यू वीडियोज के ऊपर वीडियोज हम बनाते रहते हैं